ड्रामा सिल दाओ कि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, पूरी देखिएगा। बहुत खुश होते हैं साथ अपने दोस्त से मिलकर और कहते ही ना, तुमने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, अरे मैं बाहर क्या गया, तुम तो क्या से क्या बन गई और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। शिवा सुनती है, उसकी दोस्त तो कहती है कि हाँ साथ, तुम तो जानते हो ना मुझे पैसा कमाने का बहुत शौक था, मल्टी नेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही हूँ और जानते हो मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ हासिल किया है मैंने ज़िंदगी में, पैसा, दौलत, गाड़ियाँ, जो मेरे ख्वाब थे सारे पूरे किए हैं। साथ तुम तो जानते हो ना मुझे इन चीज़ों से बहुत लगाव है और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सारी आसाइशें हों। साथ कहता है, मैंने तो तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में सारी आसाइशें पूरी करूँगा, किस चीज़ की कमी है मेरे पास, बैंक बैलेंस, दौलत, कारोबार, सब कुछ है, तुम्हें क्यों चाहिए ये सारी चीज़ें। तो कहती है वो लड़की, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और आज मैं खुद कफील हूँ। एक सीन में आपको दिखाया जाएगा, नेहा आसिम को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जाने से पहले मामा से ज़रूर बात कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम बगैर बताए मामा को चले जाओ। आसिम कहते हैं, जानती हो ना जाते जाते वो कोई ऐसी बात करेंगी जिससे मेरा दिल दुखेगा, मुझे परेशानी होगी, मैं पहले ही परेशान हूँ उनकी इन बातों की वजह से, नेहा मुझे मजबूर मत करो। नेहा कहती है, माँ है वो तुम्हारी, वो भी तुम्हारी बेहतरी के लिए ही करती है जो भी सोचती है, तुम्हें हर आने वाले दुख सुख से बचाने के लिए। जब बात सुनते आसिम तो कहता है कि इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, जानती हो ना पूरी दुनिया में जलील हो चुके हैं हम और अब वो हमें मज़ीद ख्वार करना चाहती है। जब बात सुनती है नेहा तो कहती है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे कहना तो कह दिया आसिम, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि एक माँ को उसके बेटे के ख़िलाफ़ करूँ या एक बेटे को उसकी माँ के ख़िलाफ़ जाने की इजाज़त दूँ। जब बात सुनते आसिम तो कहता है कि अच्छा, तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो, अभी मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं, सब कुछ देखेंगे।